ये हमारे गाड़ी अलवर समाज के लोग, हमारे गाड़ी अलवर समाज के पूर्व ऐसे ही ये जो ये बैलगाड़ी होती थी इसके अंदर ही घूमते थे और इसी के अंदर सोते थे, खाने पीने के बर्तन वगैरह सब इसी के अंदर होते थे। और हमारे जो कुलदेवी होती थी समाज की, उसकी मूर्ति वगैरह और उसका मंदिर वगैरह इस गाड़ी के अंदर ही होता था। ये जो आप अभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये हमारे गाड़ी अलवर समाज की ये ऐसे पूर्वज ऐसे गाड़ियों में रहते थे। ये आज मैं ये गुजरात के गढ़सर गांव में आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 को गुजरात के गांव में आया हुआ हूँ। यहाँ पर मुझे मेरे समाज के लोगों के यहाँ देखने का साक्षात ये गाड़ी देखने को मिली और ये हमारे समाज के ही लोग हैं। और इस गाड़ी की खास विशेषता आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सैकड़ों वर्ष पुरानी गाड़ी है, घर के अंदर सुरक्षित पड़ी है ये। और ये गाड़ी अलवर समाज के लोग इसकी हमेशा पूजा करते हैं और इसी के अंदर मंदिर भी है। और इसका जो टायर बना हुआ है ये लकड़ी का है और इसके ऊपर ये लोहे का सदर सटी हुई है और इसके ऊपर ये बहुत ही कलाकारी की हुई है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमारे गाड़ी अलवर समाज की ये गाड़ी होती थी और इसके अंदर ही उन्होंने जीवन यापन किया और महाराणा प्रताप के वचनों के खातिर अपना सर्व कुछ सब कुछ न्योछावर किया। ऐसे थी एक स्वाभिमानी कौम गाड़ी अलवर, जो आज दर दर के खोखरे खाते हुए न इनके स्थाई आवास है, न इनको सरकार की और कोई सुविधाएं दी जा रही है। धन्यवाद।